नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कैलकुलेटर के ऐसे फंक्शन के बारे में जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे और वो आपके लिए काफी प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जो आपको डेली दिक्कतें आती हैं कोई कैलकुलेशन करने में, वो आसानी से सॉल्व हो सकती है आपके इस कैलसी से। तो यहाँ पे अगर हम सर्च बार के अंदर अगर आप कैलसी टाइप करते हैं तो कैलकुलेटर की ऐप जो है यहाँ पे आ जाती है। और जब इस कैलकुलेटर की ऐप को आप ओपन करते हैं तो इस तरह का कैलसी आपके सामने आ जाता है। इस तरह का कैलसी आपके पास होता है और स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी आपका वर्क है, जैसे जो साधारण सा वर्क है, जमा करना है, घटा करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना है, आपको डिवाइड करना है, इस तरह की कोई भी चीजें आप स्टैंडर्ड कैलसी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको साइंटिफिक वर्क करना है, जैसे हम इंजीनियरिंग के अंदर करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखिए ये तीन लाइनें जो आपको दी गई हैं, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे ये जो साइंटिफिक है इस पे क्लिक कर देना है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारे फंक्शन जो है आपको देखने को इसको मिल जाते हैं और यहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई भी साइंटिफिक जो है टर्म जो है आपको करना है तो यहाँ पे फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, फंक्शन दिए हैं, तो इनका आप यूज कर सकते हैं। यानी कि साइंटिफिक तरीके से भी आप इस कैलसी का यूज कर सकते हैं। और आप क्या यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक के बाद यहाँ पे प्रोग्रामर है। इतने सारे फंक्शन है इसमें कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रोग्रामर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखते हैं वन, तो यहाँ जो वन है यहाँ पे हमारी हैक्स डेक ऑक्ट और बाइनरी के अंदर यहाँ पे ही दिखा देती है। जैसे वन की बाइनरी की वैल्यू 0001 है। अगर आप यहाँ पे टू लिखते हैं तो टू की जो वैल्यू है वो बाइनरी के अंदर 0010 है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे थ्री लिखते हैं तो बाइनरी की वैल्यू 0011 है। तो इस तरह से आप सारी चीजें जो हैं इसके अंदर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें इसी कैलसी के अंदर और कौन कौन से फंक्शन है हमारे डेट कैलकुलेशन का। डेट कैलकुलेशन क्या है, मान लीजिए आपको कोई एज निकालनी है, ये डेली का काम होता है। कई बार हमें जरूरत पड़ती है कि एज हमें किसी की निकालनी है तो उसमें तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ से आप डेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि वो भी हम करके देख लेते हैं। जैसे फ्रॉम टू, यहाँ तक फ्रॉम हम चेंज कर देते हैं, जैसे जून 2020 है इसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसकी डेट को हम चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं 2004 ले लेते हैं, जनवरी ले लेते हैं और डेट चुन लेते हैं 29, डेट चुन लेते हैं। तो जनवरी 29 2004 से 23 जून 2020 तक की अगर हम डेट देखें तो हमारे होते हैं 16 ईयर 4 मंथ 3 वीक 4 डे, या फिर ये 5990 डेज। तो इस तरह से देखिए ये सारी कैलकुलेशन आप कुछ सेकंडों में कर सकते हैं, विदाउट मिस्टेक आप कर सकते हैं। तो डेट आप निकाल सकते हैं, कई बार हमें एज कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, ये आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डॉलर और यहाँ पे रुपी रखा है, तो यहाँ पे अगर आप एक लिखते हैं तो एक डॉलर का जो डेली का प्राइस है वही दिखाएगा। आपको इसके लिए ऑनलाइन कनेक्टेड रहना पड़ेगा, तो नेट से कनेक्टिविटी होगी तो ये सारा काम करेगा जो हमने अभी किए हैं। तो $1 को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं रुपीज के अंदर, या फिर आप इसके अंदर काफी सारे फंक्शन दिए गए हैं, तो येन में जापान की जो करेंसी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप जो है इंडोनेशिया के रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अगर आप देखें कि इसके अंदर इतने सारे फंक्शन है कि आप कोई भी करेंसी जो है उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी आपको करेंसी चुननी है तो वो आप चुन सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा अलग अलग तरह की करेंसी है तो उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं डॉलर की जगह, अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो सिंगापुर का डॉलर अगर हम ले तो यहाँ पे इस लीबिया के दिनार में इतना ही होगा। तो ये डेली का चलता रहता है रेट, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लीटर लेना है, लीटर ले लीजिए, यहाँ मिली लीटर है, एक लीटर में कितने मिली लीटर है, 1000 मिली लीटर है, तो इस तरह से देख सकते हैं। 2 लीटर का आप देख सकते हैं 2000 मिलीलीटर है, तो वॉल्यूम को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ को अब देखिए, इंचेस के अंदर अगर आपको सेंटीमीटर निकालने हैं तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, इंचेस के अंदर सेंटीमीटर, और यहां से मीटर के अंदर सेंटीमीटर को निकाल सकते हैं, या इस तरह से यहां भी चूज कर सकते हैं कुछ भी आप
और नीचे अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप चूज कर सकते हैं, एक मीटर में कितने फिट हैं, इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से लेंथ को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट एंड मास को कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, किलोग्राम ऊपर ले लेते हैं और नीचे ले लेते हैं हम ग्राम ले लेते हैं, तो एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इसके अंदर ढेरों फंक्शन है, टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको सेल्सियस चुन लीजिए और यहाँ पे नीचे केल्विन चुन लीजिए, तो 1 सेल्सियस कितने के बराबर है, 274.15 केल्विन के, ये आप टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अंदर ढेर सारा जो डाटा है आपको मिलता है। लास्ट में एंगल को हम देख लेते हैं, एंगल जो है डिग्री को रेडियंस में करना है, 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर है, 1 डिग्री को आप जो है ग्रेडियंस में चेंज कर सकते हैं, इतने के बराबर है, और डिग्री को डिग्री में ही करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये जो कैल्सी है इसका कितना सारा आप यूज कर सकते हैं, कितने सारे फंक्शन होते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन एक सिंपल सा हम ये जो स्टैंडर्ड कैल्सी है इसी का यूज करते रहते हैं और हम सोचते हैं कि ये सिंपल सा कैल्सी है विंडो के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो कैल्सी है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।